नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों, खिचड़ी का त्यौहार भी आ गया है तो सूजी का हम लड्डू बनाएंगे। तो देखिए, 3 किलो सूजी है तो सूजी हम चाल के ले लिया है। तो इधर लड्डू बदे कुछ काजू बादाम ले लिया है। तो देखिए, काजू है, बादाम है, मखाना है, मुनक्का है, नारियल गोला है, पिस्ता है। 3 किलो हम चीनी ले लिया है। तो चूल्हा में हम आग जला लिया है। अब कढ़ाई रख देते हैं अब चूल्हा पर हम। तो देसी घी ले लिया है। तो कढ़ाई गर्म हो गई है तो डाल देते हैं देसी घी। हम 2-3 चम्मच हम देसी घी डाल लिया है। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम सूजी डाल के भूज लेते हैं। तो सूजी के हम 2-3 बार में भूजेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो सूजी के हम बहुत धीमी आंच में भूजेंगे। देखिए, सूजी के अच्छा से भूजे और सुनहरा कलर हो गया है। अब धीमी आंच में भूजे। तकुरई देते हैं हम एक परात में। तो देखिए, फिर से हम देसी घी डाल देते हैं। तो घी गरम हो गया है तो सूजी हम अब डाल देते हैं कढ़ाई में। तो इसी तरह से हम सब सूजी भूज लेते हैं। तो देखिए, सूजी हम भूज लिया है। तो सूजी को हम कुराई देते हैं। तो पानी हम डाल देते हैं 1/2 लीटर। तो 1.5 किलो हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी के हम चला देते हैं। तो चीनी के हम चला देते हैं जब ना चीनी जल्दी गले। तो चाशनी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, 1 तार का चाशनी बनने लगी है। तो चाशनी हमारे 1 तार का बन गई है। तो चाशनी हम आप कुराई लेते हैं, सूजी में मिला लेते हैं। तो अच्छा से हम मिला लेते हैं चाशनी की। अब हाँ ना मिला हुआ थे। देखिए, हम काजू बादाम सब काट के रख लिया है। तो अब डाल देते हैं। ताकि अच्छा से मिला लेते हैं। तो सूजी हम अच्छा से मिला लिया है। तो हाथ में हम पानी लगा के और ठंडा हो गया है। अब हम बांध लेते हैं लड्डू के सूजी के। तो इसी तरह से हम लड्डू बना के रख लेते हैं एक परात में। तो उसी तरह से हम लड्डू सब बना लेते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से हम सब लड्डू बना के रख लेते हैं। तो इसी तरह से लड्डू हम सब बना के रख लेते हैं। तो देखिए, सूजी के लड्डू हम इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से सब बना लेते हैं। देखिए, सूजी के लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से बनाएंगे, खाने में बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट रहता है। तो आज के हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब के लिए धन्यवाद।